घर वालों की मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि मैं आया हूँ तो जीत के ही जाऊंगा इंडियन आइडल इस टाइम। जब जब हिम्मत दिखाई तब ही मंजिल है पाई, फिर डर किस बात का। जैसे बोलते हैं यहाँ ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए आते हैं, तो हम लोगों का भी वही स्टोरी है। मेरा भी ड्रीम है, उसे फुलफिल करने आई हूँ। मैं थिएटर राउंड के लिए वापस मुंबई आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने घर वालों से भी मिलकर उनको ये सब दिखाया तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं अपने परफॉर्मेंस को लेके बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मंजिल का रास्ता कठिन, पर किसी चिंता के बिन हमने जो रास्ता चुना। आज मेरी फैमिली का और मेरा, हम सबका आज ख्वाब जो है वो पूरा होने जा रहा है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। फुल एक्साइटमेंट, धमाल परफॉर्मेंसेस और मस्ती के बीच थिएटर राउंड में पेश होंगे टॉप 32। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। Hi ma'am. What's up, Chanmukh Priya? आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो। Thank you so much, ma'am. चलो, let's go. Thank you.
so much. Oof! कौन सी पिक्चर थी मिस्टर इंडिया में बोलते थे ना हेल मोगैम्बो तो आज मुझे लगता है कि हेल शनुप्रिया इस परफॉर्मेंस के बारे में कहता हूं एक तो योडलिंग आपकी एक्यूरेसी जब आप सुर एक मतलब जब ऑक्टेव जंप करती हैं जो योडलिंग में बहुत कॉमन है अनबिलीवेबल ऑलमोस्ट लाइक अ मशीन फिर एक वो ऑपरेटिक जो फ्रेज आता है गाना जहां से शुरू होता है और फिर एक रिपीट भी होता है टुवर्ड्स द एंड Again, incredible. सब हर मतलब in terms of expression, in terms of pitch, incredible. Like आपने एक बिल्कुल almost मतलब almost मेरे अंदाज में गाया. मैंने तो पहली बार लड़की को गाते हुए सुना है. Exactly. सिर्फ कभी नहीं देखा लड़की को इस गाना ये गाना गाते हुए क्योंकि इसमें बहुत सारा you need to have see कुदरतन ऐसा होता है कि male vocal range थोड़ा सा और elastic होता है, right? और female vocal range का एक कि एक फिजिकल लिमिटेशन होती है ये फैक्चुअल है मैं इट्स नॉट जेंडर रिलेटेड दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट प्लीज मुझे मारिएगा मत पब्लिक बायोलॉजिकल बट दिस इज द ट्रूथ इट्स बायोलॉजिकल बट आप ऐसे सिंगर्स हैं कुछ दुनिया में और वो इमीडिएटली बहुत फेमस हो जाते हैं क्योंकि ये इस चीज को डिफाई करते हैं उनमें से एक आप यू आर इनक्रेडिबल थैंक यू सो मच सर Every year, कोई ना कोई ऐसा आता है जो याद दिलवाता है कि मतलब हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि we get to sit and listen to people. Absolutely. New talent. क्या बात है? It's too good. What was this? Too good, man. Indian Idol के theatre rounds की शुरुआत एक धमाके के साथ हुई है क्योंकि breaking news, एक golden mic जा चुका है. अभी तक एक golden mic जा चुका है. 14 में से और अब टेंशन बढ़ रही है धीरे धीरे क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है 14 में से भी 13 जगह और बचे हैं बहुत कुछ चल रहा है मन में थोड़ा सा टेंस्ड हूँ अब 13 जगह ही बचा है तो बहुत ही अच्छा गाना होगा मुझे और थोड़ा सा मन में प्रिपरेशंस मेंटल प्रिपरेशंस चल रहे हैं मेरे मन में अभी एक गोल्डन माइक जा चुका है ऑलरेडी और 13 माइक बचे हैं तो अभी लेट्स सी किनको मिलता है एक गोल्डन माइक जा चुका है थोड़ा सा नर्वसनेस उससे बढ़ गया है कि अब किसको मिलेगा या फिर और सिर्फ 13 ही सीट्स बचे हुए हैं बट एक माइक तो मेरा पक्का है सर नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाए प्लीज जब भी पापा को दिखा और जब से दिखा है वो मतलब अलग ही उनका है मतलब वो अलग खुश है ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया मतलब मैंने उनको इतना कभी खुश और कि एक होता है ना कि एक अपने को एक मतलब कंफर्मेशन मिलता है मॉम डैड को कि नहीं हमारा बच्चा जो कर रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ना इस गोल्डन माइक और ये सब इंडियन आइडल का इतना बड़ा बंच ये ना प्रूफ है ये सब चीज़ों का कि नहीं मेरी बच्ची कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रही है और जाके कुछ आगे अच्छा करेगी तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी
है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। जब से ये मिला है उन्होंने तो वो खुद के साथ लेके रखते हैं, उनके फ्रेंड्स को दिखाते रहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को मिला है, इंडियन आइडल में जा रही है मेरी बच्ची, ऐसे सब। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। ने जो किया उसकी वजह से मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मेरे जो दोस्त लोग हैं वो और मेरे से बहुत अच्छा बर्ताव करके, देखो ये साली के पिताजी जा रहे हैं, तो मेरे को बहुत बड़ा गर्व होता है कि आज मेरे साली की वजह से मेरा नाम हुआ है। जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना। मेरे जीत की निशानी है, इसके लिए मैं मेरे साथ में रखता हूँ। मैं सब मेरे दोस्त को दिखाता हूँ, मेरे जो रिलेटिव्स आते हैं वो तो एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं दिखाता हूँ, देखो मेरे साली ने लेके आई है गोल्डन बाइक। कितना खूबसूरत गाती हो आप, आपकी आवाज बहुत ही मधुर आवाज है। थैंक यू। आई होप आप टॉप 14 में सिलेक्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड लक साली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस दुआ यही करते हैं कि तुम टॉप 14 में आओ और अपने पिताजी को मेक हिम फील वेरी प्राउड। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाएं प्लीज. हेलो मैम. हेलो सर. हाय आशीष. हेलो शांत सर. वेलकम बैक. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूं मैम, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूं. आपकी इतनी अच्छी पॉजिटिव स्माइल देख के हम और अच्छे हो गए. अच्छा चलिए ये बताइए, जब आपने घर लेके गए आप गोल्डन टिकट, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मैम एक्चुअली मैं जब गोल्डन टिकट लेके घर गया, पेरेंट्स को आइडिया नहीं था ऑनेस्टली. नेक्स्ट डे एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक नया लैपटॉप लाके दिया फॉर द जॉब. सो स्वीट. मैम उसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट आ गई एक्चुअली. क्योंकि काम के लिए. हाँ आशीष हमको बोल के गया था कि वो एक इंटरव्यू है मुंबई. एज ए पेरेंट हम दोनों को इतना कॉन्फिडेंस था उसको जॉब तो मिलना ही मिलना है. तो सोच के हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई उसको भी सरप्राइज करेंगे. इसके लिए हम लोगों ने लैपटॉप एक अच्छा बढ़िया सा लैपटॉप बना लेके रखा था. जब वो वापस आया तो उसने ये टिकट दिखाया तो गुस्सा भी आया और ये हम हैप्पी भी हो गए क्योंकि चलो वहां जाके कुछ तो करके आया. तब हम लोगों ने ये डिसाइड किया अभी ठीक है चलो ये लैपटॉप आप म्यूजिक के लिए यूज करो और एक बढ़िया सा अपना सपना साकार करो. इंडियन आइडल के बड़े मंच से तुम अपने आप को प्रूव करो. उन्होंने मुझे आज बहुत ज्यादा आशीर्वाद और लक के साथ भेजा हुआ है. वाओ क्या बात है. दैट्स गुड टू हियर. ब्यूटीफुल. थैंक यू सर. अगर आप तैयार है तो शुरू हो जाओ. सुर लेके चलो. मरहबा मरहबा हर कोई राम नहीं होता भलाई कभी औरतों की क्रांति
दुश्मन तेरी से पाली से पाप करे और गंगा नाए तेरी से पब्लिक सिटी उर्वशी उर्वशी तेरी से उर्वशी उंगली जैसे दुबली को नहीं चाहिए फैमसी जीत का मंत्र है तेरी से पॉलिसी चार दिल की चांदनी ये जवानी फैरसी Let's do this, okay? जी सर, तुम्हारे बॉस को अब मैं फोन करने वाला कौन बॉस? और कहूंगा कि ऑफर लेटर क्या है, तो वो मुझे कहेगा कि मैं कुलकर्णी को कितनी सैलरी देने वाला था वो तुम्हें? सर 25,000 रुपए तुम्हें तुम्हारा बॉस देने वाला था। जी सर। अब मैं उसे कहूंगा कि कुलकर्णी को मैं नहीं भेज रहा हूँ, 50,000 रुपए हमसे ले लेने, क्योंकि फिर भी तुम घाटे में रहोगे, घाटे में रहोगे। उसे तुम्हारे पास आना चाहिए था कल रात को, शायद तुम्हारा इरादा बदल देता, शायद 25,000 की जगह तुम्हें 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ऑफर करके वो अपने पास एक हीरा नगीना ले लेता और फिर तुम्हें बेच देता। लेकिन तुम नहीं बिके, तुम्हारा बॉस बहुत ही बुरा बिजनेसमैन है और हम लोग बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियंस के साथ साथ बहुत ही ग्रेट बिजनेसमैन है। जी सर। क्योंकि इससे ग्रेट परफॉर्मेंस अब तक हुआ ही नहीं है, हिस्टोरिक इन इट, क्योंकि इंडियन आइडल वाले सिर्फ फायदे का सोचते हैं। जी सर। ऑलवेज फायदा, ओनली ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट फायदा, ग्रेट टैलेंट एंड कुलकर्णी यू आर ग्रेट। थैंक यू सर। और आज के बाद मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें नाम कुलकर्णी सूट करता है, सिर्फ तुम्हें आज से कहा जाएगा ए के। Yeah, baby. What a comment that was. I just want to say, ये जो केडी नारंग अवतार है आपका, केडी नारंग ही है ना कैरेक्टर? केडी नारंग, it's incredible. अच्छा, अपने नाम ऐसे सोच के नहीं आया, मतलब वो 70s के फिल्म के होते थे ना। केडी नारंग, कौन है तुम्हारा बॉस? कौन बॉस? कौन मुझे लग रहा है कि आज तुम्हारा बॉस जब यहाँ देख रहा होगा ना, तो वो अपनी बीवी से जो थप्पड़ खा रहा होगा कि फिर घाटे का सौदा करके आए हो। बॉस तू गया, इतना बड़ा हीरा छोड़ दिया उसने। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरे जेन्युइनली बात कर रहा हूँ, तूने जो परफॉर्मेंस दिया है तुझे पता ही नहीं है। It was a finale performance. Urvashi, Urvashi, te kiri zi Urvashi. Ungli jaise dubli ko nahi chahiye famasi. Rockstar performance, man. Agrees. Outstanding you were. और कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि आज के सारे performances में performer अगर एक निकला है, निकल के आया सामने वो आप। But I think Neha has something special she wants to say to you. Performance बहुत अच्छी थी, but मुझे नहीं लगता है आपको wait करना चाहिए। तो
इसलिए मैं और जाते जाते एके जी सर गोल्ड खुद रख लेना और नीचे का डंडा अपने बॉस को दे देना जी सर 100% सर 100% ओह माय गॉड थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच थैंक यू जल्द ही मिलते हैं जी सर ओके लेट्स गो नेक्स्ट कंटेस्टेंट कम ऑन हेलो सर हाय आप कैसे हैं दाने मैं बहुत अच्छा हूँ मैम आप तो आज बिल्कुल हीरो लग रहे हैं अरे मैम थैंक यू मैम वाओ आई एम सो एक्साइटेड हमारे सिंगर कम हीरो आ गए हैं यहाँ पर अरे मैम आपकी मम्मा सलाम वालेकुम आदाब आदाब कैसे हैं जनाब के हाल जी जी ठीक है आज बस बेटे का अच्छे से हो जाए फिर उसके बाद में फिर शुक्र अदा करूंगी अपने अल्लाह का और आप सबका क्या बात है आप जरूर होगा उसकी आवाज इतनी इतनी खूबसूरत है सुखविंदर जी का फ्लेवर भी है उसमें और अपना अलग टोनल क्वालिटी भी है और बहुत अच्छे सुर लगते हैं उसकी आवाज के तो दानिश आज तुम्हारी मम्मी के जो ऐसा लग रहा है कि बस दुआएं कर रही है वो तुम्हारे लिए जी सर बिल्कुल अगर आप तैयार है तो शुरू हो सुर लेके चलो नैनों ने थारी कैसा नैनों ने हो कैसा जादू किया रे थारे बिन लगे नहीं महाराज यारे ओ थारे बिन लगे नहीं महाराज यारे प्यारे 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 थारे बिन लगे नहीं महाराज यारे ओ थारे बिन लगे नहीं महाराज यारे धक 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 मारा जिया घबरावे बोले बसुरिया सुन ले सावरिया बोले बसुरिया सुन ले सावरिया हर बिना मोहे कुछ नहीं भावे रे प्यारे 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 थारे बिना लगे नहीं महाराज हरे ओ थारे बिना लगे नहीं महाराज हरे जिया रे
my god, that was awesome. Thank you so much, ma'am. Thank you. बहुत ही कमाल का था. आप बीच में वो जो ताने जो आई थिंक आप जो ले रहे थे ना वो इतनी परफेक्शंस के साथ आ रही थी. आप जब गाते हैं ना इतनी प्यारी सी स्माइल करके आप गाते हैं ऐसा लगता है कि वाओ सब कुछ अच्छा है. मतलब यू नो ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है आपकी परफॉर्मेंस को देखकर. और इतनी अच्छी बात है कि आज थिएटर राउंड है आप स्ट्रेस में नहीं लगे. मतलब ऐसा लग रहा था कि एक गवैया गा रहा है. मतलब बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. देखते हैं आगे क्या होता है. ऑल द बेस्ट. बस जाने के पहले एक बात मैं कहूंगा. अरे सर थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बस गया है तू मेरी नस में. अब जहां तू आ रहा हूं मैं वहां. कई सालों से मैं बहुत सारे गाने बना रहा हूं और वो गाने रिलीज करने का साल होगा 2021. क्या बात है. ये दिसंबर का महीना है. अरे सर थैंक यू सो मच सर. अरे क्या हो गया. अरे अभी बोला क्या कुछ. मैंने क्या बोला. मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे गाने बना जी, रहा हूँ. जी, 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 जी. और पिछले सीजन का जो बहुत ही कमाल का सिंगर था रोहित उसके साथ भी मैंने गाना किया है. तो मैं चाहता हूँ कि वो कॉम्पोजिशंस तुम्हारे लिए वो चीज करें. अरे सर. अरे सर थैंक यू सो मच. अरे मैं तो कंप्लीट ही नहीं किया तो फिर बोल रहा है. और वो कॉम्पोजिशन मैं एक तुमसे गवाना चाहता हूँ. अरे सर जरूर गवा के 2021 में वो गाना तुम्हारा आ जाएगा. और अगर तुम आगे बढ़े तो यहीं पे तुमसे परफॉर्म भी करवाएंगे. अरे सर अरे सर थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. ओ सारे सपने मैं तेरे सत के बस गया है तू मेरी नस में. अब जहां तू आ रहा हूं. बहुत मजा आया. बाकी देखते हैं आगे क्या होता है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू. मैं हूँ नचिकेत लेरे. मेरी उम्र है 23 साल और मैं कल्याण मुंबई से रहने वाला हूँ. बचपन से मुझे एयरक्राफ्ट्स बहुत पसंद है. प्लेन्स एरोप्लेन्स में बहुत मेरा इंटरेस्ट रहा है इसलिए मैंने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग किया. क्या करूँ होले होले जो मेरा दिल गा रहा है. क्या करूँ धीमे धीमे से नशे में जो है जिंदगी. और उसके बाद मुझे ऐसे मालूम पड़ा कि मेरा सिंगिंग में भी कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ. तो जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे मेरा म्यूजिक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ते गया. बोला उसको एक दो बार कि जॉब भी देखो ये भी करो यानी तुम्हारा एक साइड सिक्योर रखो सिक्योरिटी कुछ रखो. लेकिन वो नहीं माना. नहीं माना बोलेगा तो उसको ये अच्छा लगा. हमने उसको फोर्स नहीं किया नहीं जॉब करो ही ऐसा. धीरे धीरे सब सही हो रहा था. सब अच्छा चल रहा था. और 2020 आया. लॉकडाउन आया और सब रुक गया. सब रुक गया. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया. मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए नहीं करना चाहिए लेट. शॉर्ट शॉर्ट सुरो के सरताज को सिलेक्ट कर लेना चाहिए नचिकेत. थैंक यू सो मच. क्या बात है नचिकेत. कैसा लग रहा है आपको. सर बहुत बढ़िया लग रहा है. हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है. क्या किया आपने गोल्डन टिकट लेने के बाद. सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा को दिखाया तो बहुत ज्यादा खुश हो गए. उन्होंने प्रेज तो किया पर उन्होंने वैसे ही सपोर्ट भी किया कि ओके अभी अगले राउंड में और अच्छे से करना. स्टे ग्राउंडेड. सिंगिंग ही आपका प्रोफेशन है के? मैं थिएटर्स में मैंने कुछ थिएटर्स में काम किया है. म्यूजिकल थिएटर्स में मैंने काम किया है. तो मेरे म्यूजिकल काम किया मतलब एक्टिंग. एक्टिंग एंड सिंगिंग. अच्छा. उसको महाराष्ट्र में इट इज कॉल्ड एज संगीत नाटक. अब ये आपने एक नया पहलू अपना दिखाया है तो वी वुड बी वेरी क्यूरियस टू सी कि आप मतलब भेष बदल के नाट्य संगीत रूप में कैसे आप मतलब पेश आते हो. बट आई थिंक पहले तो इंडियन आइडल के ऑडिशन पे फोकस करते हैं फिर उसके बाद ये भी जरूर देखेंगे. जरूर जरूर सर. या
डू योर स्किल चेक प्लीज. ओके रेडी. साल्सा रेडी. गुड लक. थैंक यू. रोल. अरे हाँ अरे हाँ फूल गेंदवा न मारो न मारो लगत करे जवा में छो. फूल गेंदवा न मारो न मारो लगत करे जवा में छोड़. दूंगी मैं दुहाई कहे चतुर बनत छी छोरी करत हर जाई. फूल गेंदवा न मारो न मारो फूल गेंदवा न मारो न मारो लगत करे जवा में छोड़. हे जहाँ गिरे पापी वही दाग पड़ जाए है. अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे फूल गेंदवा न मारो न मारो फूल गेंदवा दवा 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 न मारो न मारो लगत करे जवा में छो. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ना सताओ मोहे जुल्मी बलम ओ बलम ना सताओ मोहे जुल्मी बलम ओ बलम. मान जाओ बिनती अबला की देख देख अब दूंगी दुहाई कहे चतुर बनत छिछोरी करत हर जाय. फूल गेंदवा ना मारो ना मारो ना पपधा दा 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 निदा पमग पमवा गमगरे सा 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 सा. फूल गेंदवा न मारो न मारो न मारो न मारो न मारो हाँ न मारो न मारो लगत करे जवा में छोड़ करे जवा में छोड़ करे जवा में छोड़. सागा गरे रे सा सा मामा गरे रे सा सा नी 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 सा दं 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 सा पा 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 सा पा सा पा सा पा सा पानी माँ. थैंक यू सो मच यार. तुम बहुत धुरंधर खिलाड़ी निकले यार. एक धुरंधर भाटावडेकर थे हमारे जिसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे, लेकिन तुम बहुत ही ग्रेट सिंगर हो यार. फूल गेंदवा न मारो सुरों के सरताज. जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था तो लग रहा था कि बहुत पक्के सुर हैं, बट ये सिंगिंग करना यू आर अनदर लेवल. और हर किस्म का गाना, हर वर्सिटैलिटी में भी तुम कमाल गाओगे. आई एम वेरी श्योर यू आर वेरी गुड. आई रियली लव्ड योर वॉइस. आई रियली लव्ड योर वॉइस. जेन्युइनली यू आर अ फैंटैबुलस सिंगर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू क्या बात. जो आपने अभी किया ना, ये अक्सर ऐसा एक परफॉर्मेंस किसी रियलिटी शो में एक बार कहीं हो जाता है एंड इट बिकम्स अ बेंचमार्क कि ये एक बार हुआ था. और आगे जैसे आपके परफॉर्मेंस आते जाएंगे, आई एम श्योर ये होता रहेगा. यू आर इनक्रेडिबल ब्रदर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. रिजल्ट में बात करूं. और आप अपने वो वाले लुक में जरूर आना, नाट्य संगीत रूप में. जरूर जरूर सर. जो हम जरूर देखना चाहेंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.